फ्रेंड्स वेलकम टू आई स्टडी ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में जो आप लोगों की टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है तो इसका अब क्या हो चुका है कि आप लोगों का DV तो हो गया था तो DV के बाद से इंस्टीट्यूट का अलोकेशन किया जा रहा है। अलोकेशन की जो पहली लिस्ट है वो आ गई थी, जो आप लोगों की फर्स्ट लिस्ट है, लिस्ट वन आई थी आप लोगों की 15 मार्च को जो लिस्ट आई थी उसमें इन्होंने टॉप 100 CML रैंक वाले जो कैंडिडेट हैं उनका अलोकेशन किया था। आज फिर से यानी 3 अप्रैल को एक नोटिस अपडेट किया गया है। इस नोटिस को देख लेते हैं, इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो इसमें लिखा है इन कंटिन्यूस टू द नोटिस, जो 15 मार्च को आप लोगों का नोटिस आया था उसी को कंटिन्यू करते हुए द अलोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर द अप टू 500 CML। तो अप टू 500, तो 100 तो वो वाले थे और 400 और इन लोगों ने लिए, तो टोटल अप टू 500 CML तक जो भी कैंडिडेट थे उनका इंस्टीट्यूट का जो अलोकेशन है वो हो गया है। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस है। उसके बाद हैज़ बीन मेड बेस्ड ऑन द मेरिट प्रेफरेंस, जो भी आप लोगों की मेरिट के हिसाब से जितने मार्क्स थे और जो भी आप लोगों ने प्रेफरेंस भरी थी इंस्टीट्यूट की उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों का जो है अलोकेशन किया गया है। उसके बाद से जो आप लोगों के रिमेनिंग कैंडिडेट बचते हैं, द अलोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर अदर कैंडिडेट विल बी मेड इन द ड्यू कोर्स। तो जो भी रिमेनिंग कैंडिडेट बचते हैं, जितनी वैकेंसी है 802 वैकेंसी है, तो 500 कैंडिडेट का रीअलोकेशन हो गया है। तो जो भी रिमेनिंग कैंडिडेट है उनका भी अलोकेशन ड्यू कोर्स मतलब कि आने वाले टाइम में हो जाएगा। कितने दिन में होगा, हफ्ते में होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, ये कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। लास्ट टाइम इन्होंने 15 मार्च को रीअलोकेशन किया था, उसके बाद इन्होंने 3 अप्रैल को किया लगभग 18 दिन में। तो 18 से 20 दिन में इन्होंने दोबारा नोटिस दिया है। तो आप लोग मान करके चल सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि अप टू 20 मार्च तक आप लोगों की नेक्स्ट लिस्ट जो है लिस्ट थर्ड आप लोगों की पब्लिश की जा सकती है, अगर ये 15-20 दिन के हिसाब से आप लोगों की जो लिस्ट है उसको पब्लिश करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें लिखा है कि आप लोगों का IARA रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द अलोकेशन। तो जो एक बार अलोकेशन हो चुका है उसको भी ये मॉडिफाई कर सकते हैं, ये IAR के पास राइट है। इन केसों पे एनी डिस्क्रिपरेंसी, अगर कोई एरर हो जाती है, कोई दिक्कत होती है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द IARA वेबसाइट रेगुलरली। आप लोगों को जो IAR की वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करते रहना है। अब हम लोग लिस्ट देख लेते हैं, ये आप लोगों की लिस्ट है, तो इस लिस्ट को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये लिस्ट है जो आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें IARA वाले पहला कैंडिडेट OBC नॉन क्रीमी लेयर का है और इसका UR में सिलेक्शन हुआ, इसकी CML 1 है। तो जो रैंक जो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, इंस्टीट्यूट का लोकेशन हुआ है वो CML के हिसाब से हुआ है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों ने जो CML भरी, जो आप लोगों की CML है और जो आप लोगों की प्रेफरेंस भरी गई थी उसी के हिसाब से आप लोगों का अलोकेशन हुआ है। अगर कोई एरर लग रही है, आप लोगों को लगता है कि सर मैंने प्रेफरेंस भरी थी और मेरी CML रैंक इतनी है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या कारण हो सकता है। उसके हिसाब से जो भी आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक डाउट और था आप लोगों का, अगर आप लोगों में से कोई भी PH कैंडिडेट है जिसका नाम आया है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। PH कैंडिडेट, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो ये आप लोगों की अपडेट थी। तो आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।